हालात ना बने, ये ज्यादा शोचनीय विषय है, ये ज्यादा चिंता का विषय है, बजाय इसके कि क्या हुआ था। निश्चित तौर पर इतिहास के लिहाज से बहुत चीजों को करेक्ट करने की बात, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन बापू एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तो पथ भी दो दो हो गए हैं, राजपथ पर चलें कि कर्तव्य पथ पर चलें? ये तो आप पहले जनता से पूछो, जनता बताए भाई। तो अब आप जिस पद पर जनता उस पद पर बापू। तो बापू चलेंगे कर्तव्य पथ पर जिस पर जनता चल रही है। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, आप आ गए थे। बापू आपका वर्तमान समय में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उस सांप्रदायिक दंगों के वजह से हुआ, जिसके लिए आपने नोआखाली में अनशन भी किया था और बचाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन बहुत दुख है कि वर्तमान समय में फिर वही स्थितियां पैदा की जा रही हैं हिंदू मुस्लिम दंगों का, इसका क्या समाधान किया? नहीं, हिंसा हुई थी, पर उसके लिए हमने जैसा बताया हमने अनशन भी किया था, शांति के लिए प्रभात फेरियां भी निकाली थी। समय बदल गया है, फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन हम तो वही हैं भारतीय, हमारे अंदर जो संस्कृति है संस्कार है वो सदा रहेगा, और हम इस रास्ते से फिर एक बार आगे निकलेंगे, इस समस्या का भी समाधान हम इसी रास्ते से निकालेंगे। देखिए जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ना, लोगों के सवाल और निकल कर आते हैं, और मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो बापू के सामने रखने चाहिए, और थोड़ा सा अवसर, जैसा शो का एक समय सीमा होती है हर शो की, तो आपके सवाल ज़रूर लेंगे। लेकिन बापू आप अहिंसा की बात करते हैं, आज ये अहिंसा और हिंसा इसको समझना बहुत ज़रूरी, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन हालात देखिए आप, रूस यूक्रेन की लड़ाई होती है, यूक्रेन छोटा सा देश है लेकिन पीछे यूरोपीय संघ, अमेरिका, तमाम महाशक्तियां खड़ी हैं, रूस भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, हम देख रहे हैं चीन रूस सब एक हो गए हैं, क्या ये एक बार फिर विश्व युद्ध जैसी गंध आ रही है? क्या हालात और ख़राब होते जा रहे हैं? आप तो अहिंसा का पाठ पढ़ाकर चले गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अहिंसा कहीं देखने को नहीं मिल रही। देखो तब और अब में विश्व स्तर पर भी काफ़ी बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, पर ये मैं साफ करना चाहता हूँ, आप ही बताओ किसी भी युद्ध में किसी को कोई फ़ायदा हुआ है? नुकसान ही नुकसान हुआ है। बात क्या है कि ये झगड़ा ईगो के कारण होता है, हम ईगो के गुलाम हो जाते हैं, इस कारण से होता है। मैं तो कहता हूँ योर ईगो इज़ योर बेस्ट सर्वेंट बट ए टेरेबल मास्टर, और जिनका ऊपर ईगो और ज़्यादा हावी हो जाता है वो दुनिया को फतेह पाने के लिए जो भी हो सकता है वो गलत काम करते हैं। तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ एन अनचेक्ड ईगो इज वर्स देन एन हंग्री घोस्ट। तो इस घोस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है फिर? देखो भाई, ईगो तो कमज़ोर आदमी को गुलाम बनाता है, और गुलामों से क्या डरना। अच्छा बापू, आमतौर पर इस तरह की कार्यवाही में जज साहब नहीं बोलते, लेकिन आज इतने सवाल हुए तो जज साहब भी जो है एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो जज साहब पवन सिन्हा जी आपसे एक सवाल करेंगे। मैं जज की भूमिका में हूं, और मेरे अंदर का जज पवन सिन्हा से कह रहा है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, तो मैं प्रश्न पूछता हूं। नेहरू जी आपसे बिल्कुल अलग थे, और जिन बातों के लिए आप मना करते थे वो करते थे, फिर भी आपने उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया, वल्लभ भाई पटेल को क्यों? अब बापू कटघरे में आ गए सही में, जज साहब जब खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बापू आप पास भी कर सकते हैं सवाल को, और जवाब देना चाहे तो दे भी सकते हैं। मैं बराबर इस तरह के कटघरे में जाता हूं और लोग सवाल पूछते हैं इस बात के लिए एक बार तालियां कि किसी सवाल से आपके सामने बैठे बापू चूके नहीं है, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। बट हमारे जज साहब ने इतना इंटेलिजेंट और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं दो शब्दों में इसका जवाब दे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा
कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जी और नेहरू जी में मतभेद था, ये सब जानते हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा, और बंटवारा हुआ था किसी और कारण से, इसके बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। इसके ज़िम्मेदार जिन्ना साहब भी थे, नेहरू जी भी थे, और उस समय जो लोग पावर में आना, जैसे अभी होता है, हर हमेशा ऐसा ही होता है। तो जो आपका सवाल है जज साहब, वो बहुत हद तक सही है। अच्छा बाबू, लाख टके का एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब शो को वाइंड अप भी करना होगा, सवाल बहुत सारे आते जाएंगे अब धीरे धीरे। सब सुखी कैसे रहे वो बता दीजिए आप। तो देखो भाई, अगर आप ज़रूरतों के लिए जियोगे और ख्वाहिशों के लिए नहीं, तो आपका जीवन सफल होगा। ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी होती हैं, और ख्वाहिशात तो सिकंदर की भी कभी पूरी नहीं हुई। धन्यवाद राम बापू। जो आज़ादी के समय हुआ वो हुआ, अब किस ओर जाएं बापू? 2024 में फिर से चुनाव आने वाला है, तो सत्ता में कुछ परिवर्तन किया जाए या उसे चलने दिया जाए? साथ ही साथ एक और चीज़, दो बार से तो लगातार बनी रही है, अब और बनने पर कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं आ जाएगी? ये भी बातें अहमियत रखती है, तो किस ओर जाना है? आपने पास्ट भी देखा, कुछ सही निर्णय भी हुए, कुछ गलत भी हुए, जो हम सब वाकिफ हैं जिनसे। अब प्रेजेंट भी, आप प्रेजेंट में हैं तो वो भी देख रहे हैं, फ्यूचर थोड़ा सा गाइड करके जाइएगा प्लीज। देखो भाई, जो हो गया उस पर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अब हम ये कहते हैं कि जब आज़ादी मिली, नेहरू जी का बहुत से था, वो चाहते तो वो चाइना के पैटर्न पर हमारे विलेजेस को कॉटेज इंडस्ट्री में ले जाते, पर उन्होंने जो उनके उस समय जो उनके विचार होंगे, उन्होंने इसको अमेरिका बनाने की कोशिश किया, बड़े बड़े कारखाने खोले। इससे एक सेगमेंट जो वंचित रह गया वो गांव का थे लोग। तो अब उस समय क्या मजबूरी थी उनकी और क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ये तो ना आप बता सकते हो ना मैं। अब तो सूचना प्रणाली बहुत विकसित हो चुकी है, आगे 2024 में क्या होगा, किसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप सब जानते हो, आपको सारा फैक्टर्स पता है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो डिक्टेटरशिप होगा, देश के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। आपको ईश्वर ने अब काफ़ी ज्ञान दिया है, आप सोच के फैसला करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ वही हो जो देश के हित में हो। बापू ने पहले भी कहा था, जिस पथ पर जनता चल रही है उसी पर चलेंगे। तो आपकी जो भी राय होगी उसके साथ में वो जाएंगे। अच्छा बापू, ये तो बता दीजिए, इतने कड़े कड़े सवाल आपसे हो गए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? देखो, मेरी ज़रूरतें हैं कम, इसलिए मुझ में है दम। ये छोटी सी बात बस हम लोगों के जहन में आ जाए, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल हैं। ले वन 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 बहुत सारे सवाल हैं, आइए अपना सवाल पूछिए। प्रणाम बापू। इट वॉज ए बिग एलिगेशन ऑन यू बापू दैट यू डिड नॉट पुट इन एनफ एफर्ट्स टू रेस्क्यू भगत सिंह एंड हिज अदर रेवोल्यूशनरीज। I think there's a lot of misinformation about this. People should know that it was Bapu who strongly recommended, wrote harsh letter to the Governor General of India then, and still it didn't materialize. She did whatever he could do, but the decision was in somebody else's hand. It's not that he neglected, not at all. Never be concerned about that. He tried his best. उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाया कि भगत सिंह छूट जाए, और भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए उनने जो किया है, आप रिसर्च करें समझें तो मालूम होगा कि ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है।
इतिहास लिखा जाता है, इतिहास मिटाया जाता है, इतिहास फिर से लिखा जाता है और सुपर इम्पोज किया जाता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बापू सलाम है आपको, जय हिंद बापू, शानदार, आपने हर सवाल का जवाब दिया है। और जज साहब ने सुना है बड़े गौर से, जज साहब कई तीखे सवालों के जवाब भी बापू ने दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई, बहुत सारे सवाल अभी हो सकते हैं लेकिन जितने सवाल पूछे गए वो अनुत्तरित नहीं रहे हैं। आप इन जवाबों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की अदालत में आपका फैसला क्या है? सबसे पहले तो जिन लोगों ने अदालत लगवाई उन लोगों का हृदय से साधुवाद, प्रवीर जी का विशेष रूप से साधुवाद, क्योंकि जिस